हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में बीएसटीसी का 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन कुछ धुंधले हैं तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वी एन रेऊ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था? सही आंसर हो जाएगा चंद्र सिंह। जो भूला हुआ नायक था वो था चंद्र सिंह। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? जैसलमेर और बाड़मेर, जहाँ पर 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेरी क्या है? बेरी ये कुआं होता है। अगला क्वेश्चन, अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? तो अंता विद्युत शक्ति केंद्र ये आधारित है गैस से। सुनहरी स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? सुनहरी स्वर्ण कोठी ये स्थित है टोंक जिले में। अगला क्वेश्चन, कौन से युग्म सही हैं? सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि मगरा नस्ल भेड़, मारवाड़ी नस्ल भेड़, फिर इसके बाद मारवाड़ी नस्ल बकरी, फिर इसके बाद मालवी नस्ल गाय। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता वह है? दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है यह है जैसलमेर का किला। अगला क्वेश्चन, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे किस स्थान पर? तो मीरा ने अपने अंतिम दिन द्वारिका में बिताए थे। शेखावटी क्षेत्र में गोधड़ नृत्य सामान्यतः किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ जो नृत्य होता है सामान्यतः किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है? तो ये होली पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? थेवा कला ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अलगोजा क्या है? तो अलगोजा ये एक वाद्य यंत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ किस जिले से जाने जाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में जाने जाते हैं। क्वेश्चन धुंधले इसलिए आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। निम्नांकित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। वी एन रे के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था? राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो राज प्रशस्ति जो है गाइस ये राजसमुद्र झील के बांध में स्थापित की गई थी। 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है डैश, तो ये कहलाती है पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छी राम। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? ए एवं बी या फिर ए बी सी या फिर बी डी। सही आंसर हो जाएगा ए बी और सी, बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। राजस्थान विधानसभा को प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर की बात हो रही है सुमित्रा सिंह। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया?
सन 2006 में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी संख्या के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा श्रावण शुक्ल तीज को। टोंटी नामक आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? तो टोंटी नामक जो आभूषण है गाइस ये कान में पहना जाता है। सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया? सही आंसर हो जाएगा बयाना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बगोली सराय पचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहां पर हुई थी? दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु ये हुई थी उज्जैन में। शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ, शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित जिस इतिहासकार इतिहास बेता को चित्तौड़ की पद्मनी की इतिहास का संदेह वह हैं? के आर कानून को। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक था कान्हड़देव। स्थान जहां 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी वह था हुरडा। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो मानगढ़ हत्याकांड ये हुआ था वर्ष 1910 में। अगला क्वेश्चन, लटकन नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो लटकन नामक जो आभूषण है ये नाक और कान में पहना जाता है। डावड़ा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो गाइस डावड़ा कांड ये हुआ था 1947 में। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है 1 नवंबर 1956। नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ शैली से संबंधित था। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय चावड़ में व्यतीत किया। खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है शासक द्वारा अपने सामंतों को। सवाई जय सिंह ने कितने स्थानों पर वेदशालाओं का निर्माण कराया? कुल 5। एक ही आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व तो किया था मोतीलाल तेजावत ने। मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? हरिश्चंद से मानते हैं। घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी लिपि में ये उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजयकृति का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजयकृति के लेखक हैं जयानक। अगला क्वेश्चन, जाम्बूजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए? बिश्नोई कहलाए। मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? कछवाहा। सिंगथल में राम सनही संप्रदाय किसने स्थापित किया? हरिराम दास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गिलुंडू अजमेर। अब हम लोग शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा निष्पक्षता। अच्छा, शिक्षा क्या है? शिक्षा है प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए। आपके विचार से औचक परीक्षा नियोजित है क्योंकि इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविक जांच हो पाती है। कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है।
शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व। आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं, यह जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई थी वह विद्यार्थियों को पूरा समझ में आया है या नहीं। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य नियत कार्य कब जांचना चाहिए। लिखित कार्य नियत कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद। ओके, अगला क्वेश्चन, अध्यापक को कक्षा कक्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न जिनके प्राप्त उत्तरों से अध्यापक को यह निर्णय लेने की सुविधा मिल सके कि विद्यार्थियों को पाठ पूरा समझ में आया है या नहीं। सुगत, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मासिक परीक्षा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, आपका इस संदर्भ में क्या विचार है। मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन, अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी। संपादक को पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब संदेश का प्रारूप ग्राही को सम्मिलित करता हो। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा के सभी विषयों में कमजोर है तो आप क्या करोगे। आप उसकी कमजोरी के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक अच्छा संप्रेषणकर्ता एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक कौन सा है। शिक्षण सामग्री की कमी। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, प्रभावी शिक्षण साधारणता फलक होता है। तो प्रभावी शिक्षण साधारणता फलक होता है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाने और अच्छी तरह से समझने को। एक शिक्षक प्रभावी होता है यदि विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, भाषण के प्रारूप में बदलाव करने की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास सीधे आनुपातिक रूप से संबंधित है। आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं क्योंकि आपको शिक्षण में रुचि है। अगला क्वेश्चन, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि यह समाज में सशक्ति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने हेतु अध्यापक को जोर देना चाहिए जीवन के सामाजिक मूल्यों पर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को अपने विषय में हुए नए परिवर्तन विकास के प्रति सचेत रहना चाहिए। कि अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल पर जाने के प्रति क्या मत है। हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्या पसंद करोगे। आप अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों को सही रूप से निर्वहन करोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन दिनों में शिक्षित व्यक्ति ज़्यादातर बेरोजगार दिखाई पड़ रहा है, आपकी दृष्टि से इसका क्या कारण हो सकता है। शिक्षा बिना उद्देश्यों के। अर्थपूर्ण परीक्षा का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से क्या होगा। परीक्षा ऐसी हो जो सक्षम और असक्षम विद्यार्थियों को भेद कर सके। अगला क्वेश्चन, आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति उपयुक्त अभिव्यक्ति होगी।
सामान्यतः आप सबके साथ संबंध होने चाहिए। शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है अपितु यह बाद में उसे समृद्ध बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अपरिवर्तनशीलता। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे। किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? संगठन जो है वो टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण कौशलों की दक्षता विकसित करना। एक छोटा बच्चा किसकी आदतें ग्रहण करता है? तो एक छोटा जो बच्चा होता है परिवार के सदस्यों की आदतों को ग्रहण करता है। मैं अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश इस आशा के साथ करता हूं कि वे भी आज्ञाकारी वफादारी से मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व क्या कहलाता है? समझौतावादी कहलाता है। सोगत, विद्यार्थी के हित में अध्यापक का उत्तरदायित्व निहित है विद्यालय और समाज दोनों में। आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए? निष्पक्ष, यानी कि जो फैसला करे बिल्कुल निष्पक्ष फैसला करे। अगला क्वेश्चन, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि अध्यापक उनके विद्यार्थी के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं। समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? स्पष्ट उद्देश्य। आपके दृष्टिकोण से अध्ययन व्यवसाय है, रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है, शिक्षक उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में लगातार नहीं आ रहे हैं, ऐसे शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? कारणों को जानूंगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का कार्य करना पसंद करोगे? विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर को समृद्ध करना। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, आप अपने विद्यार्थी को किस प्रकार का गृह कार्य देना पसंद करोगे? सरल एवं मनोरंजनपूर्ण गृह कार्य ताकि वे इसे अपनी सुविधा के अनुसार हल कर सकें। अगला क्वेश्चन, अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है उपयोगी और मूल्यवान रहा है? अगला क्वेश्चन, अध्यापक यह जानना चाहता है कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो उसे शिक्षण के दौरान ही सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा सर्वोत्तम रूप से ही बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया पाठ आरंभ करने से पूर्व ये क्या लिखा हुआ है? दोहराना चाहिए क्योंकि यदि नया पाठ पुराने पाठ से संबंधित है तो नया पाठ आसानी से समझ में आ जाता है। अब हम लोग सामान्य हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है? सही आंसर हो जाएगा पीक कोयल। मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द होता है मुमुंशा, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? दुर्निवार। अगला क्वेश्चन, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा है? कर्ता, कर्म, क्रिया। जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अंत्याक्षरी, अपराह, श्रृंगार।
चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है जो कि शुद्ध है? कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है? पहला वाला ऑप्शन है वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है? नेकी का बदला बदी। धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है? हाथ सुमरनी बगल कतरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुहावरा है एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा होगा? समान भाव रखना। अगला क्वेश्चन, प्रतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? प्रतियुक्ति में संधि हो जाएगी यण संधि। इनमें से यण संधि का उदाहरण कौन सा है? नहीं है। इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है, मोदर है। सचिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि है? सचिदानंद में हो जाएगी व्यंजन संधि। इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, इनमें से किस विकल्प में कर्मधार समास नहीं है? गुरु दक्षिणा में कर्मधार समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राप्तोत्तक में कौन सा समास है? तो प्राप्तोत्तक में हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास हैं? पद्युच देश निकाला। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तीसरा वर्ण अनुवर। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका अभ्यंतर। इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में मूल शब्द क्रा नहीं है? कृष्ण। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? पहला वाला ऑप्शन पटु निपुण दबंग। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द मही के पर्यायवाची नहीं हैं? शैलजा मेदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम हैं? इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम हैं? अथ इति। इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द हैं? पुष्ट पुष्ट। इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है? कृषाणु किसान। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जो बच्चे BSTC 2022 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म फिल करने का भी इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। बहुत ही जल्दी फॉर्म फिल कराए जाएंगे, क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।